अनमोल टीचर्स पर आज हम बात कर रहे हैं। कक्षा 6 से 8 अध्यापन कराने वाले अध्यापकों के जो डिजिटल प्रशिक्षण होना है उसके बारे में। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कक्षा 1 से 5 के जो अध्यापक हैं उनके 2 मॉड्यूल दीक्षा ऐप पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभी कुछ ही दिनों बाद आपको कक्षा 6 से 8 के जो अध्यापक हैं उनके लिए विषय आधारित प्रशिक्षण के मॉड्यूल प्राप्त हो जाएंगे। ये अगले 3 महीने तक का कार्यक्रम है। 3 महीने में आपको 6 मॉड्यूल उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रत्येक मॉड्यूल में 45 मिनट का ऑनलाइन और 45 मिनट का ऑफलाइन कार्य होगा, यानी कि प्रत्येक मॉड्यूल 90 मिनट का होगा। मित्रों, कुल मिलाकर जो कार्य है आपका वो 60 से और 70 घंटे का कार्य रहेगा। ये जो प्रशिक्षण है वो कुल मिलाकर 4 विषयों को लेकर है और ये विषय आधारित प्रशिक्षण रहने वाला है। इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, राजस्थान ऑनलाइन शिक्षक व्यवसायिक कार्यक्रम 2020। इसके लिए मित्रों एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, पायलट लॉन्च मीटिंग। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इन जो 4 विषय हैं इनके प्रशिक्षण किस प्रकार से रहेंगे, क्या क्या उद्देश्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो आइए मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान ऑनलाइन शिक्षक व्यवसायिक विकास कार्यक्रम 2020, इसके लिए मित्रों एक पायलट लॉन्च मीटिंग हो चुकी है। ये मीटिंग 24 जुलाई 2020 को 3 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में कुछ उद्देश्यों को लेकर बात की गई थी। वो उद्देश्य इस प्रकार से हैं, पायलट में भाग लेने वाले राज्य और जिला स्तर के मेंटरों को तैयार करना। चर्चा के जो मुख्य बिंदु थे वो थे प्रशिक्षण का अकादमिक शैक्षणिक केंद्र NPF, LO, NCERT की पुस्तकों और उनकी विशेषताओं, 4 मुख्य विषयों हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मित्रों इसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, के लिए अप्रोच पर आधारित ऑनलाइन मोड के माध्यम से व्यावसायिक विकास के लिए अप्रोच, तीसरा मॉड्यूल के विभिन्न तत्व और उनका क्रियान्वयन, चौथा प्रतिभागियों की भूमिका और जिम्मेदारियां, पायलट के लिए कार्य करना, पांचवा समर्थन और फीडबैक के माध्यम, छठा बिंदु है मित्रों पायलट के कार्यान्वयन की टाइमलाइन। प्रशिक्षण स्रोतों के अकादमिक फोकस में निम्नलिखित शामिल हैं, क्या क्या शामिल हैं, NCF, RTE, LO, पाठ्य पुस्तक NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहला देखते हैं NCF में वर्णित रचनावाद पर अधिक बल, जुड़ाव, खोज, चिंतन, सह निर्माण, अर्थ निर्माण, अवधारणाओं की समझ, अमूर्त चिंतन, आयु वर्ग के लिए उचित पेडागोजी, स्थानीय ज्ञान व परिवेश से जुड़ाव, ये विषय इसमें शामिल हैं। RTE देखते हैं समग्र एवं समतापरक गतिविधि, खोजबीन और प्रोजेक्टों के माध्यम से सीखना, RTE के लिए बना गुणात्मक ढांचा गतिविधि को परिभाषित करता है जिसके अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन शामिल हैं। LO में देखते हैं मित्रों, LO से दिशा निर्धारित होती है, ये प्रक्रिया आधारित और समग्र है, मूल और उच्च स्तरीय मानसिक कौशलों दोनों के सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। LO में शैक्षणिक दृष्टिकोण का सम्मिलन, लक्ष्य निर्धारण में LO का उपयोग, बाल व्यक्तित्व का विकास, विभिन्न छात्रों की जरूरतों को के अनुसार सीखने की विभिन्न स्थितियां, अवसर। NEP में यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखते हैं बच्चे के विकास की जरूरतों पर विशेष ध्यान, आयु वर्ग के लिए उचित सीखने का स्तर प्राप्त करना, तथ्यों और प्रक्रियाओं को रट कर सीखने से दूर रहना, बहुआयामी चर्चा और विश्लेषण आधारित शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, मूल्यांकन मुख्य अवधारणाओं, कौशल और उच्च स्तरीय क्षमताओं पर केंद्रित रहें व शिक्षकों का सतत व्यापक विकास। इसमें 4 मुख्य विषयों को शामिल किया गया है। 4 मुख्य विषयों के अप्रोच, हिंदी, गणित, विज्ञान व सामाजिक अध्ययन। आपका जो कोर्स है वो 6 मॉड्यूल पर होगा। पहला उच्च प्राथमिक की कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण शास्त्र, दूसरा मॉड्यूल देखते हैं 4 मुख्य विषयों की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम के व अप्रोच,
तीसरा मॉड्यूल उच्च प्राथमिक की पाठ्यपुस्तकें TLM प्लस ई सामग्री। चौथा जो मॉड्यूल है उच्च प्राथमिक शैक्षणिक आवश्यकताएं और पाठ योजना। पांचवा मॉड्यूल है उच्च प्राथमिक शैक्षणिक आवश्यकताएं और पाठ योजना 2। छठा जो मॉड्यूल है अंतिम वो है सीखना सुनिश्चित करना सभी अंशों का सही मेल। मित्रों आगे इसमें देखते हैं जो सत्र हैं आपके वो 45 मिनट का ऑनलाइन व 45 मिनट का ऑफलाइन होगा। प्रत्येक मॉड्यूल में 6 सत्र होंगे। कितने सत्र होंगे मित्रों? 6 सत्र होंगे तथा एक परिचय और एक समापन सत्र होगा। यह दर्शाता है कि शिक्षक 4 विषयों में से एक का चयन करेंगे। अब जो पहला मॉड्यूल है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण, इसमें क्या क्या होगा इसमें देखते हैं। प्रारंभिक प्लस प्रवेश परीक्षा सबसे पहले ये होगा। फिर 1.1 जो मॉड्यूल आपका आएगा बच्चों का संज्ञानात्मक स्तर और ज़रूरतें इस प्रक्रम पर विभिन्न होती हैं। 1.2 में गतिविधि का परिचय होगा। 1.3 में गतिविधि के प्रकार करने के विभिन्न तरीके और 12 बॉक्स मैट्रिक्स। 1.4 में बच्चों के परिवेश की भूमिका। 1.5 में ERAC का उपयोग। 6 में विश्लेषण और विषय। 1.7 में असाइनमेंट संपन्न करना वह टेस्ट होगा, जैसे कि जो 1 से 5 के मॉड्यूल हैं उनमें भी दिया गया है। आगे देखते हैं मुख्य असाइनमेंट अपने बच्चों के संदर्भ तथा गतिविधि शिक्षण शास्त्र के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत पाठ्य योजना विकसित करना। कोर्स की संरचना विभिन्न तत्वों को उभारने और अंत में एक साथ समेटने के रूप में होगी। अब देखते हैं दूसरा जो मॉड्यूल है उसमें क्या क्या होगा। सेकंड मॉड्यूल शिक्षकों के लिए ज़रूरी है कि वो समझें कि क्या करना है, क्यों करना है और अपनी परिस्थिति में कैसे करना है और यह कैसे पता चलेगा कि वे सही तरह से कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरा देखते हैं केवल सुनने और देखने से सीखना नहीं होता, इसलिए कोई लंबे PDF और वीडियो नहीं है। तीसरा देखते हैं ऑनलाइन प्रशिक्षण में स्वयं सीखना होता है। अगला देखते हैं यहाँ ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है, इसलिए छोटे वे रुचि पककर सत्र त्वरित अभ्यास दिशा निर्दिष्ट टास्क इनमें शिक्षक को खुद से सोचना जरूरी है, इसलिए कई चिंतनशील अभ्यास लेकिन ऐसी स्थितियों से जुड़े हुए जो शिक्षक के लिए जानी पहचानी है। आगे बढ़ते हुए शिक्षक को अपना आकलन करते रहना है, इसलिए सेल्फ टेस्ट और ज़रूरत के मुताबिक पुनरावृत्ति भी आपको मिलेगी। अगले देखते हैं मानवीय संवाद के बिना सीखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए सहकर्मियों के साथ बातचीत मेंटरों का समर्थन एक मिश्रण पद्धति है। समझ बनाने के लिए ज़रूरी है कि अपने अनुभव से जुड़ी हो। एंड्रोगोजी वयस्कों के लिए शिक्षा प्रणाली, इसलिए एक छोटी केस स्टडी से शुरुआत। इसके पश्चात इसके पीछे कारणों की समझ बनाना, इसलिए सैद्धांतिक खंड। वस्तुतः विभिन्न शिक्षकों की भिन्नतम परिस्थितियों में ये बातें सफलता से लागू होनी चाहिए। सबके लिए एक समान अप्रोच कामयाब नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिकल खंड में अपनी परिस्थितियों में लागू करने के कई अवसर। अगला देखते हैं उभरती समझ का समेकन महत्वपूर्ण है, इसलिए सारांश खंड। सत्रों में ऑनलाइन व ऑफलाइन अंग हैं। ऑफलाइन भाग और गहराई में उतरने का मौका देता है, अपनी परिस्थिति में लागू कर उसे आत्मसात करने का और भविष्य में लागू करने के लिए तैयार करता है। इसके लिए शिक्षक अपनी पाठ्य पुस्तक से जोड़ने का अभ्यास करेंगे, अपने साथियों से खुले प्रश्न पर बात करेंगे, असाइनमेंट पूरा करेंगे और MOTM भरेंगे। अब बात करेंगे मॉड्यूल का ढांचा कैसा होगा। 6 सत्र जिनसे पहले परिचय सत्र और बाद में समापन सत्र, ये अलग से होंगे। हर एक मॉड्यूल में बेस लाइन और एंड लाइन टेस्ट होंगे। हर भाग ऑनलाइन व ऑफलाइन है। ऑनलाइन में 45 मिनट में क्या क्या होगा? परिचय, छोटा केस, सिद्धांत, प्रैक्टिकल और सारांश। जो ऑफलाइन है उसमें क्या होगा? पाठ्य पुस्तक संबंधी अभ्यास, खुले प्रश्न पर सहकर्मियों के साथ चर्चा, असाइनमेंट और MOTM। आगे देखते हैं कुल जो समय है वो प्रति सप्ताह 4 सत्र का है। प्रति पखवाड़ा 1 मॉड्यूल यानी कि 15 दिन का 1 मॉड्यूल होगा। 3 माह में आपको 6 मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं।
आप चाहें तो इनको जल्दी भी कर सकते हैं। इसमें आपको करीबन 60 से 70 घंटे का समय लगेगा। गेमिफिकेशन देखते हैं। कई छोटी सफलताएं क्रमवार प्रगति प्रत्येक उपखंड पूरा करें बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी कि आपको प्रत्येक खंड को पूरा करना होगा। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए आपको टेस्ट में सफल होना जरूरी है। अगर आप टेस्ट में सफल नहीं हो पाते हो तो दूसरे खंड में नहीं जा पाओगे। डाटा आधारित क्रियान्वयन देखते हैं। प्रतिभागियों को अपने बारे में डाटा मिलेगा, मेंटरों को अपने समूह के बारे में और अधिकारियों को जिले व राज्य के बारे में। कोर्स निर्माता प्रगति पर नज़र रख सकते हैं, मुश्किलों को समझकर तुरंत उन पर कदम उठा सकते हैं। ज़रूरतों का सतत विश्लेषण अंतर्निहित है। मॉड्यूल के विभिन्न तत्व और उनका क्रियान्वयन, विभिन्न भाग और उनके साथ काम कैसे करना है, दाखिला और रजिस्ट्रेशन शुरू कैसे करें, अलग अलग तरह के ऑनलाइन टास्क कैसे पूरा करें, अलग अलग तरह के ऑफलाइन टास्क कैसे पूरा करें। चौथा है मेंटरों की भूमिकाएं व जिम्मेदारियां, पायलट के लिए क्रियान्वयन योजना। इसमें दो तरह की जिम्मेदारियां होंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे पहले हम ऑनलाइन जिम्मेदारियां देखते हैं कि मेंटरों की ऑनलाइन जिम्मेदारी क्या रहेगी। कोर्स कैसे चलता है यह समझने के लिए प्रतिभागियों की मदद करना और विभिन्न भागों में क्या करना है यह स्पष्ट करना। ज़रूरत के अनुसार अकादमिक बारीकियों को समझना, शब्दावली अवधारणाएँ आदि। ग्रुप कॉल्स के द्वारा जहाँ ज़रूरत हो वहाँ विषय की समझ को मजबूती देना। उदाहरण के तौर पर एक गणित का शिक्षक है, वो अगर विज्ञान पढ़ा रहा है तो उसे मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम देखते हैं ऑफलाइन कार्य क्या क्या करने होंगे। ऑफलाइन सत्रों को संभव बनाना व समर्थन देना, खास तौर पर व्हाट्सएप समूह चर्चा, असाइनमेंट, विभिन्न उत्तरों दृष्टिकोणों को साझा करना, असाइनमेंट के कार्य के लिए प्रोत्साहन देना, राजस्थान के परिवेश से जुड़ाव और वहाँ की परिस्थिति में लागू करने की मदद करना, प्रतिभागियों व अपने अनुभव पर हमें फीडबैक देना। अगला देखते हैं पांचवा, समर्थन और फीडबैक के माध्यमों का उपयोग। LLM के साथ पांचवा देखते हैं समर्थन और फीडबैक के माध्यम का उपयोग। SLM के साथ इग्नस पहल पर पखवाड़े एक वेबिनार करेगा। SLM अपने DLM के साथ हर सप्ताह बातचीत कर सकते हैं। एक फोरम जहां प्रश्नों प्लस प्रश्नों के उत्तर के लिए वर्गीकरण समयावधि होगी, मेंटरों के लिए एक मार्गदर्शिका और जहां ज़रूरत हो वहां सत्र विशेष के लिए सुझाव। मेंटरों के साथ अपने ज़िले के ऊपर कुछ डाटा उपलब्ध रहेगा। छठा देखते हैं पायलट के कैनवन के लिए टाइमलाइन। पायलट 25 से 31 जुलाई 2020 ये आयोजित हो चुकी है। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक पायलट से प्राप्त फीडबैक को शामिल करना। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ, SLM DLM के बीच संबंध स्थापित, प्रतिभागियों के लिए पहले से तय फोन परामर्श के समय, 25 जुलाई 2020 से मॉड्यूल 1 के भाग उपलब्ध होने शुरू, प्रतिभागियों द्वारा उपयोग पर डाटा प्राप्त होना शुरू, 29 जुलाई 2020 और फिर 31 जुलाई 2020 को प्रतिभागियों के अनुभव पर चर्चा के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल, ब्लॉक स्तर के कुछ शिक्षकों व मेंटरों से फ़ोन इंटरव्यू हो सकते हैं। इस PPT के अंत में आपसे पूछा गया है, व्यावसायिक विकास की इस अनोखी यात्रा पर बढ़ने के लिए क्या आप भी उत्सुक हैं, प्रश्नों उत्तर व खुली चर्चा। साथियों, इस PPT को आपको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए या एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए अनमोल टीचर्स को एजुकेशन संबंधी वीडियो तुरंत पाने के लिए।